सबसे मिनिमम डाउन पेमेंट टीवीएस राइडर का टॉप मॉडल और इसमें बात राइडर्स वेलकम टू आवर चैनल द मोटर एक्सपीरियंस। आज हम आपके लिए आए हैं टीवीएस राइडर का सुपर स्क्वाड एडिशन। इसमें कलर का बात करें, इसमें दो कलर का ऑप्शन मिल जाता है। एक मिल जाता है हमको ब्लैक कलर पे ग्राफिक, दूसरा है जो हम दिखा रहे हैं हमको रेड कलर का ग्राफिक मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी पे वेरिएंट की बात करें, इसमें हमको चार वेरिएंट मिल जाता है। और जो हम एडिशन देख रहे हैं इसमें सिर्फ मिड रेंज का ही बाइक पे एडिशन होता है। उसके अलावा इस गाड़ी में कलर ऑप्शन की बात करें तो 11 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। और इसका हम बात करने वाला है, इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सीट कंफर्ट, फ्यूल टैंक कितना है, माइलेज, उसके अलावा इसके इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, इसके अलावा इस गाड़ी में क्या क्या दिया गया है, सारा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और ये बाइक आप टीवीएस राइडर लेना चाहते हैं और पटना से हैं तो आपको डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, शोरूम को वहाँ से आप बात कर सकते हैं। चलिए इसका की ऑन करके दिखाते हैं कि की ऑन करने पर गाड़ी कैसा देखने को हमको मिलता है। जब की इंस्टॉल करते हैं इस गाड़ी का, इसका इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा हमको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट से बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑन इंस्टॉल करने के बाद तो इसका एलईडी ऑन हो जाता है। टीवीएस राइडर का टॉप मॉडल और इसमें बात करें तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जीपीएस नेविगेशन, स्टैंडर्ड अलार्म टाइम अलार्म, उसके अलावा हर चीज़ इसमें मिल गया। उसके अलावा इसका एलसीडी की बात करें तो थोड़ा मिड रेंज से बड़ा होता है। उसके अलावा ये एलसीडी का अगर कोई भी चेंज करना होगा यहाँ से तो मेनू यहाँ पे इसका दे देता है हम चेंज करने के लिए। और यहाँ पे हम देखें तो ब्लूटूथ का की हो गया, हर चीज़ इसमें हम बता दिए। उसके अलावा इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका 125,000 ऑन रोड प्राइस चला जाता है टॉप मॉडल का। उसके अलावा इसका इंस्ट्रूमेंट देखेंगे मिड रेंज वाला, तो इसका थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट हमको छोटा साइज का मिल जाता है। और कुछ इस बाइक में हमको डिफरेंट नहीं देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी को ओवरलुक दिखाते हैं तो फ्रंट से देख ही रहे हैं कुछ इतना प्यारा आपको लाइट के साथ गाड़ी मिल जाएगा। उसके बाद गाड़ी का लेफ्ट प्रोफाइल देखिए, ये पूरा एडवेंचर वाला मूवी का जो आप देखे होंगे तो उसका सब सारा का सारा उसी का स्टिकर यहाँ पर लगाया गया है। हर जगह देख रहे हैं इंजन का, उसके अलावा फ्यूल पे या टीवीएस का आपका 3D में लोगो हो गया पूरा घोड़ा वाला। उसके अलावा आपको दिखाएं रियर प्रोफाइल, तो रियर प्रोफाइल में देखिए तो सीट के नीचे एक पैनल होता है, उसके अलावा पे भी इस पर एडिशन लगाया गया है सिल्वर कलर में। उसके अलावा बात करें इसका एलईडी प्रोफाइल, तो एलईडी प्रोफाइल में कुछ ऐसा आपको दो शेप में रियर का लाइट सेटअप मिल जाता है। उसके अलावा इसके इंडिकेटर की बात करें, इसका इंडिकेटर देखें कुछ अलग ही डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको गाड़ी का नंबर प्लेट लग जाएगा, रिफ्लेक्टर दोनों साइड मिल जाएगा। राइट से प्रोफाइल से आप देखें गाड़ी का तो कुछ ऐसा ही आपको जो लेफ्ट प्रोफाइल है राइट प्रोफाइल में कुछ ऐसे ही सेम स्टिकर लगाया गया है। गाड़ी का सस्पेंशन की बात करते हैं, इसका सस्पेंशन को देखें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और इसका रियर फ्रंट ब्रेक की बात करें तो इस फ्रंट ब्रेक में हमको 240mm का डिस्क पैनल मिल जाता है। और टायर की बात करें तो आपको 80x100 का टायर सेक्शन मिल जाएगा 17 इंच में। इसके अलावा व्हील्स पूरा ब्लैक कलर में आ जाता है। और इस गाड़ी का कवर की बात करें, व्हील कवर का तो देख रहे हैं अभी भी स्टिकर है रेड ब्लैक का, बहुत बवाल प्रीमियम आपको कवर मिलने वाला व्हील कवर। उसके अलावा आपको रियर प्रोफाइल से देखा है यहाँ पे इंजन का काउल हो गया जो आपको स्टिकर के साथ मिला, अच्छा खासा सेफ्टी आपको मिल जाएगा इस गाड़ी की। यहाँ पे आपको रियर ब्रेक हो गया, यहाँ पे राइडर के लिए फुट रेस्ट। उसके अलावा बात करें तो पिनियन के एलमिनियम के लिए फुट रेस्ट मिल जा रहा है। और इसका एग्जॉस्ट की बात करें तो भी आपको एलमिनियम मिल रहा है, पूरा प्रीमियम फील होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसका देख रहे हैं यहाँ पे एडिशन कितना बवाल एडवेंचर वाला दिया गया है। टीवीएस हो गया यहाँ पे राइडर का जो लोगो यहाँ पे मेंशन करेगा राइडर का। उसके अलावा आपका रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे रियर टायर सेक्शन की बात करें तो टीवीएस कंपनी का रियर टायर मिल जाता है आपको। और इस गाड़ी का ट्यूबलेस टायर के साथ साथ इसका ड्रम ब्रेक इसमें मिल जाता है 130mm का। रियर टायर की बात करें तो रियर टायर का साइज देख लें आप 100x90-17 इंच का। इसके अलावा इस पूरा ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है। और इसका एग्जॉस्ट की बात करें तो ब्लैक कलर सिल्वर कलर का कवर मिल जाता है और सिल्वर कैप मिल जाता है। उसके अलावा आपको रियर प्रोफाइल दिखाएं तो ड्यूअल कट में इसका एलईडी मिल जाता है टेल लाइट पूरा। और इंडिकेटर की बात करें तो कुछ ऐसा डिजाइन में कोई इंडिकेटर मिल जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ी के नंबर लग जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड। और रियर प्रोफाइल से गाड़ी कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। राइट साइड से बात करें तो हमें साड़ी कॉल मिल जाते हैं, लेडीज़ का फुट रेस्ट, पिलियन के लिए फुट रेस्ट और यहाँ पर राइडर के लिए फुट रेस्ट। चैन कवर की बात करें तो सिंगल चैन कवर में आपको मिल जाता है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं टीवीएस राइडर का एग्जॉस्ट नोट, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए आप कितना लाउड दिया गया है। ये आपको सुना रहे हैं बिना रेस वाला साउंड कैसा थे। और ये हो गया आपके इसका एग्जॉस्ट साउंड, सुना है काफी लाउड है।
और काफी खतरनाक लाउड दिया गया है। हम आपको आज बताने वाले टीवीएस राइडर का ऑन रोड प्राइस। इसका ऑन रोड प्राइस है 1,17,000 और ये सुपर स्क्वाड एडिशन का प्राइस की बात करें, इसके अलावा आपको हम बात करने जा रहे हैं कितना कम से कम डाउन पेमेंट करके आप अपना घर लेके जा सकते हैं, सारा चीज भैया कवर करेंगे। भैया इसका डाउन पेमेंट कितना कम से कम? ये आप सबसे मिनिमम डाउन पेमेंट 15,000 में भी आप अपने घर लेके जा सकते हैं। 15,000 में गाड़ी आप छोड़ सकते हैं? 15,000 क्या बात करते हो, डिपेंड करेगा सिविल पर ना भैया। देखिए सिविल स्कोर तो थोड़ा सा होना चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। तब क्या चाहिए आपको, 15,000 में, मात्र 15,000 में गाड़ी छूट जाएगा, सिविल आपका और अच्छा होगा तो और कम से कम डाउन पेमेंट बन जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं इसका 24 मंथ पे, अगर बाइक किसी को लेना हो 24 मंथ पे आप ईएमआई पे चाहते हैं तो आपको 5200 के आसपास का ईएमआई रहेगा, 5270 का ईएमआई रहेगा 24 महीने के लिए। और 18 मंथ पे सर? 18 मंथ पे भी जा सकते हैं आप, 6686 का ईएमआई रहेगा। और 36 मंथ? 36 महीने पे आप जाएंगे सर तो 3853 का ईएमआई रहेगा 36 महीने के। ओके 48 मंथ? हाँ 48 मंथ में भी मिल जाएगा, कम से कम 3100 के आसपास का ईएमआई रहेगा, 3145-40 के आसपास का। और 60 मंथ का भी है? सबसे लार्जेस्ट भी आप ले सकते हैं, जब ज्यादा लंबा लेने के लिए आपको 2720 का आपका ईएमआई रहेगा। 2720 डाउन पेमेंट सबका सेम रह रहा है 15,000? बिल्कुल 15,000 लाइए, गाड़ी लेके जाइए। वाह 15,000 लाइए, केक काटिए और घर लेके जाइए, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। 15,000 में आपको डाउन पेमेंट करके टीवीएस रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन के साथ गाड़ी मिल रहा है। भैया का डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, शोरूम का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से कॉन्टेक्ट कीजिए, भैया से मिलिए और आप केक काटिए और बाइक लेके जाइए। हाइट की बात करते हैं, सीट हाइट हम बात करें तो 780 mm का सीट का हाइट मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी का सीट का बात करते हैं, स्प्लिट डिजाइन में मिल जाता है, राइडर के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया, प्लेन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा कंफर्टेबल सीट मिल जाएगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर ग्रेव रेल मिल जाता है प्लेन के लिए। आइए इसका फ्यूल टैंक की बात करते हैं, फ्यूल टैंक पर पहले देखें कितना आपको, जब भी कोई बैठेगा राइडर चलाएगा उसको हमेशा ये का जो एडिशन हुआ है सुपर स्क्वाड का कलरफुल देखने को मिल जाएगा, उसको अच्छा खासा फील होगा, वाइब अच्छा आएगा। उसके अलावा पे फ्यूल की बात करें तो 10 लीटर कैपेसिटी मिल जाता है, माइलेज की बात करें तो 50 KMPL का माइलेज मिल जाता है। उसके अलावा इसका टॉप स्पीड की बात करें तो 100+ इसका टॉप स्पीड चला जाता है। उसके अलावा इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल लेते हैं तो जब इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर टीवीएस का आपको लोगो मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको आरपीएम का मिल जा रहा है, हेलमेट का हमेशा आपको सेफ्टी यहाँ पे दिखाता रहेगा, गाड़ी का न्यूट्रल नहीं है वो दिखा रहा है, आपको न्यूट्रल करेगा तो यहाँ पर गियर का इंडिकेट हो जाएगा, यहाँ पर गियर लगाइएगा जो भी अगर दिखा जाएगा। उसके अलावा इस गाड़ी पे टाइम दिखा जाएगा, रियल टाइम, स्पीडोमीटर, फ्यूल इंजेक्ट, आरपीएम, ट्रिप भी कितना गाड़ी किलोमीटर दिखा जाएगा, ऑडोमीटर किलोमीटर फाइनल दिखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ से आप मूड चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं रेंज वगैरह कितना एवरेज देगा, ट्रिप ए ट्रिप बी हर चीज़ आपको मिलेगा। उसके अलावा मिड रेंज का गाड़ी है तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, कोई अलार्म वगैरह नहीं मिलेगा, जीपीएस का कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। टॉप मॉडल में जाइएगा तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। राइट हैंडल लगते हैं, राइट हैंडल में हम देखें तो यहाँ पे इंडियन किल स्विच हमको इस बाइक में नहीं मिलता, इसमें हमको मिलता है यहाँ पे इको मोड और पावर मोड। अगर डाउन शिफ्ट करते हैं तो पावर मोड होगा, राइट साइड करते हैं इको मोड, और यहाँ पे अगर सेल्फ स्टार्ट बटन, उसके अलावा यहाँ पे हाई लो बीम इंडिकेटर हॉर्न और यहाँ पे पास का लाइट मिल गया, टोटल आप देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही यूएसबी केबल का कनेक्ट मिल जाएगा। आइए इसका इंजन की बात करते हैं, इसका इंजन देखिए तो 124.88 cc का इसका इंजन मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर एयर एंड ओल कूल SI के साथ इसका इंजन मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी का मैक्स पावर की बात करें, मैक्स पावर इस पर 11.38 का BHP मैक्स पावर मिल जाता है, और इस पर RPM की बात करते हैं 7500 RPM जनरेट कर देता है। मैक्स टॉर्क पर बात करें इस गाड़ी का, मैक्स टॉर्क हमको 11.2 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाता है, इस पर RPM की बात करें तो 6000 RPM हमको जनरेट करके गाड़ी देता है। बताते हैं कि ये बाइक अब TVS राइडर लेना चाहिए, एक्सट्रीम के 125 R न्यूली लॉन्च वो ले लेना चाहिए। अगर आप एक नेकेड बाइक देख रहे हैं तो बाइक आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सुपर स्क्वाड एडिशन का बाइक चाहिए तो ये बाइक आप कंसीडर कर सकते हो, उसमें अगर ग्राफिक वगैरह कुछ नहीं मिलता है, उससे बेहतर ग्राफिक उससे अच्छा खासा लुक डिज़ाइन ये बाइक आपको रेडर मिल जाएगा। 125 cc में इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, लुक ज़बरदस्त बनाया है, सीट देख लें काफ़ी प्यारा सीट मिल जाता है। उसके अलावा इसका इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, अभी आपको इंस्ट्रूमेंट पूरा बड़ा इंस्ट्रूमेंट मिलता है, और रियर प्रोफाइल में भी आपको अच्छा खासा लाइटिंग डिज़ाइन दिया गया है। तो आप ये बाइक अगर देख रहे हैं तो ये भी बाइक आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर वो बाइक आपको पसंद आ रहा है तो भी बाइक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बाइक अपने जगह पे अच्छा है, ब्रांड वैल्यू दोनों का अच्छा है। आज मैं आपको रिव्यू किए हैं TVS राइडर 125 सुपर स्क्वाड एडिशन, इसका फुल रिव्यू किए हैं, इसमें क्या क्या फीचर दिया गया और आप ये बाइक पसंद करते हैं और यहाँ तक वीडियो देख लेते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहे मस्त रहे, देखते रहे हमारे चैनल द मोटर एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय।